अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह हमने घर का काम वाम तो सारा कर लिया, तो आज पढ़वा रहे हैं हम सूरह मुज़म्मिल, इसलिए हम नहा के कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और फ्रेश हुए हैं। और यहाँ पर देखें बुशरा सूरह मुज़म्मिल पढ़ रही है, क्योंकि बाकी को भी बुलाया है तो अभी उन्होंने कहा कि बस आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी के घर गई थी बुलाने के लिए ताकि सूरह मुज़म्मिल पढ़वा लें, क्योंकि फिर शाम तो फिर कल का दिन जो होगा रबीउल अव्वल का होगा, इसलिए हमने कहा चलो आज पढ़वा लेते हैं। और अभी मैं कस्टर्ड खाने लगी थी, नाश्ता किया नहीं था, सुबह सुबह मैं चली गई थी बुलाने के लिए, तो अभी तकरीबन 10 का टाइम हो रहा है। तो ये देखें कस्टर्ड भी तैयार है, रात को किसी ने खाया नहीं था, बनाया था, तो अभी मैं ना इससे डालती हूँ और फिर खाते हैं और नाश्ता करके फिर मैं बैठूँगी खाने के लिए, सही है? और मैंने कहा चलो घर का काम वाम दिखा दें। और सारी बुशरा ने सेटिंग कर की है, मैं सबको बुलाने के लिए चली गई थी और बुशरा ने सारा काम वाम जो है ना सारा कर लिया, बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, किचन भी सारा साफ़ सुथरा किया हुआ है। मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, किचन भी सारा साफ़ है, लाइट ऑन कर लो। और यहाँ पर पानी की बोतलें भरनी थी, और ये देखें उसने सारा कुछ सेट कर लिया है। और पानी की बोतलें भरनी थी तो गिरनी नहीं थी, जो दूध वाली थी, तो उसको धो के फिर उसके साथ भरते हैं, सही भरा जाता है पानी। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर ही जाके ना मैं इनको भरूंगी 3 बोतलों को। और यहाँ पर रोटी भी रखी है, लेकिन पहले मैं कस्टर्ड खाती हूँ, उसके बाद अगर दिल करेगा तो फिर रोटी खा लूँगी। चलो अभी अंदर चलते हैं, और ताकि कोई आ भी ना जाए उनके आने से ना, पहले मैं जल्दी जल्दी से ना खाना वगैरह खा लूँ, सही है? फिर बाकी का भी लोग ऐसे ऐसा करके ना थोड़ा थोड़ा करके बनाते ही रहेंगे। और गाइस अभी हमने जो है सूरह मुज़म्मिल वगैरह पढ़ लिया, और सबको हमने जलेबी वगैरह दी थी, और मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो सबको दे दी थी, तो सब तो चले गए अभी घर। और बाकी हमारी फैमिली रहती थी और हमने चाय वगैरह बनाई है, अभी चाय के साथ जलेबी खाते हैं, क्योंकि चाय के साथ जलेबी गर्मा गर्म खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बची हुई है ना, मेरे हस्बैंड ज़्यादा लेके आए थे कि इनको ना बच्चों को बुला के ना बांट देंगे, और ये देखें सबको दी थी, तो बाकी बची हुई है थोड़ी सी हम डाल देते हैं अपने खाने के लिए गर्मा गर्म। और बाकी जो बच्चों को बुला के ना, अभी फातिमा स्कूल से आएगी, बच्चों को बुला के आएगी, तो फिर हम बांट देंगे सारे बच्चों को। और गाइस देखें यहाँ पर हमने चाय भी रख दिया है और साथ में गर्मा गर्म जलेबी हैं, और अम्मी भी बैठ गई है, और यहाँ पर बुशरा भी और कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनको हमने बिठा दिया कि आप बैठ जाओ, तो उनको हमने कहा कि चाय वगैरह पी के फिर चले जाना, क्योंकि हम बैठ के मिल के और चाय वगैरह पीते हैं, अभी इंजॉय करते हैं, सही है माँ? अब आपकी तबीयत सही है ना? गाइस देखें अभी मेरे हस्बैंड आए थे, क्योंकि घर पर मेहमान थे, सूरत वगैरह पढ़ाई है, तो फिर जलेबी वगैरह लेनी थी, तो मेरे हस्बैंड साथ ही खड़े होके जलेबी वगैरह बनवा के आए हैं। उसके बाद जो है ना फिर एक डब्बा फ्री था दूध वाला, तो वो भी मेरे हस्बैंड देख गए हैं। अभी ये डब्बा तो बुशरा धोएगी दूध वाला, और ये देखें ये छोटे छोटे बर्तन, और ये मैं खुद इधर बैठ के धो लेती हूँ। और यहाँ पर मैं कुर्सी भी रखी हुई है, और यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, ये दूध वाली बोतलें हैं ना, इसके अंदर दूध जमा होता है, फिर इनको धो लूँगी गर्म पानी के साथ, बिल्कुल अच्छी धुल जाएंगी। और किचन की भी सारी सफाई की हुई है, और आज मैंने अपने हाथों के साथ अच्छी अच्छी फ्रेश फ्रेश रोटी भी बनाई है। चलो भाई फिर रोटी भी इधर रख देते हैं, और पानी की क्या नहीं, देखे मेरे हस्बैंड लेके गए हैं, आते हुए भर भर के आएंगे। और बाकी जल्दी से करते हैं अपना काम वाम शुरू करते हैं। और गाइस फातिमा भी आ गए स्कूल से, और यहाँ पर देखें फातिमा, और गाइस देखें अभी अभी फातिमा आई है सुबह, तो इसको मैं छोड़ के आई थी, क्योंकि बुशरा नहीं गई थी आज, बुशरा की छुट्टी करवाई थी, और फातिमा को मैं खुद छोड़ के आई थी। और अभी फातिमा किसके साथ आई हो? किसी के साथ नहीं, अकेली। कोई लड़की आ रही थी इधर वाली हमारे घर वाले साइड पे? एक आ रही थी। उसके साथ फिर आई हो? नहीं, वो मुझसे काफी पीछे थी। चलो सही है, बस ये है कि बस ये भी आ गई स्कूल से, और इसने पानी वगैरह भी पी लिया, और बाकी का जो पानी नहीं, है ना, नहीं पिया, बिशरा ने पिया, आप मुझे दो अभी पीना है अभी। हाँ। चलो अभी पानी पी लो, और मैं जाके छोटे 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 बर्तन धो लूँ, बाकी के जो डब्बे हैं ना ये बिशरा खुद धो लेगी, सही है? हंस क्यों रही हो? हाँ बस ऐसे हंस रही हो। स्कूल में पढ़ाई कैसे थी? सही थी। अच्छा टीचर भी आई थी? हाँ। आपकी फ्रेंड वगैरह सारी आई थी, दोस्त जैसे स्कूल की होते हैं लड़के, क्लास की पूरी आई थी? हाँ। सही है। चलो और स्कूल का माहौल कैसा चल रहा है? मैम भी आती है, न्यू मैम आई है कि वही है पुराने वाली? न्यू आई थी कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर वही आ गई है, पुराने वाली पहले वाली। पहले वाली आ गई है। चलो सही है। और फातिमा आज आपने बालों को तेल भी लगाना है, और कल भी मैंने लगाया था, लेकिन आज मैं हम वो आए थे ना घर में, औरतें आई थी पढ़ने के लिए, तो इसलिए ना मैंने ऐसे कहा कि आज मैंने खुद को भी तेल नहीं लगाया,
मैंने कहा चलो फातिमा स्कूल से आएगी तो फिर दोनों को इकट्ठे लगा दूंगी, ये भी लगा लेगी और मैं भी लगा लूँगी। चलो मैं भी मोबाइल को चार्जिंग पे लगाती हूँ और यहाँ पर देखें मैंने चार्जिंग लगाया है, अब इसको चार्ज लगाती हूँ और बाकी का काम करके फिर थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेंगे। और गाइस अभी सारे मेहमान वगैरह तो चले गए थे और हमने दोपहर का खाना वाना भी खा लिया था और मेरे हस्बैंड भी फ्री होके आए थे। तो यहाँ पर देखें डब्बे वगैरह भी धुल गए हैं, ये देखें डब्बे वगैरह भी धो के रख दिए हैं और आगे किचन में भी दिखा देते हैं सारा सामान वगैरह जो था ना बर्तन छोटे छोटे वो भी धुल गए हैं। लाइट ऑन कर लूँ और यहाँ पर देखें बर्तन हो गए, दूध वाली बोतलें होगी वो भी धुल गई हैं और यहाँ पर पानी की बोतलें 4-5 रखी है, अभी इनको भर के रखते हैं फ्रिज में और फ्रिज चलाएंगे। और ये देखें इस तरीके से, और अभी गैस नहीं आया, सालन बनानी थी तो अभी आलू और बैंगन मंगवाया है मैंने अपने हस्बैंड से, कहा कि आलू और बैंगन लेके आए और आज आलू और बैंगन का सालन खाना। और काफ़ी दिन से कह रही थी कि पहले नहीं थे, ताज़ा नहीं थे, दो दिन के 3 दिन के रखे हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बस नहीं लेने। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब फ्री ये जैसे फ्रेश आ जाएंगे तो फिर ले लेना, फिर ऐसे क्या। और अंदर जो है ना बुशरा और फातिमा पढ़ रही हैं दुरूद शरीफ, ये बुशरा भी पढ़ रही है और फातिमा भी पढ़ रही है और अभी मैं भी बैठ के पढ़ूंगी। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कस्टर्ड लेके ना खा लूँ और बाद में बैठ के पढ़ूंगी। और मैंने बैगन रखे हैं यहाँ पर देखे, लाल मिर्ची और अदरक लहसुन वगैरह सारा कुछ इधर रखा है और यहाँ पर मैंने बैगन रखे हैं, ये देखे बिल्कुल फ्रेश है ताज़ा ताज़ा। और फिर बनाएंगे, अभी गैस का टाइम नहीं हुआ तो अभी मैं पहले कस्टर्ड खा लेती हूँ उसके बाद बाकी का जो भी होगा करते रहेंगे। क्योंकि असल में मेरे हस्बैंड जो है ना चले गए हैं वो बाल वगैरह बनवाने, कलर वगैरह करवाना था, तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया आपने दाढ़ी भी नहीं बनाई और कलर वगैरह भी नहीं करवाया, वो बाल भी कटिंग करवा के आए, कलर भी करवा कर आए और शेप भी बनवा के आए, तो फिर इसलिए वो चले गए हैं। और लगता है वो अपना ये काम करवा के, और फिर मोटरसाइकिल की लाइट नहीं थी तो लाइट भी बनवानी थी, तो लगता है वो भी बनवा के आएंगे, लेकिन मुझे खास पता नहीं है, पता नहीं क्या करवाते हैं मोटरसाइकिल की लाइट बस बनवाने, क्योंकि काफ़ी मसला था जब हमें जब कहीं जाते हैं ना तो फिर वापसी भी आते हैं रात को, तो काफ़ी इशू होता है मोबाइल की लाइट जला के फिर हमें आना पड़ता है, ऐसे अंधेरे में आना फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए चलो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और कस्टर्ड खाते हैं उसके बाद फिर बैठेंगे और सुकून से फिर सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे और फिर बाकी का व्लॉग बनाऊंगी। और गाइस यहाँ पर देखें मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, आलू भी इसके अंदर डालने हैं, लेकिन अभी टाइम तो इतना रहता है, अभी 6 बजे हैं तो अभी मैं स्टार्ट कर दिया मैंने भूनना इनको आग पे ऐसे, और ये बिल्कुल इसके अंदर वो हो जाएगी भुनाई हो जाएगी इनकी, और अब ये भी रहते हैं और इनको इस तरीके से इनकी जगह इस ऐसे इनके साइड चेंज करेंगे और ये बनते जाएंगे, फिर इनको इनका बर्था बनाएंगे। सही है, देखें सारी साफ़ सफाई भी हो गई है और यहाँ पर मैंने दूध को बॉयल करके रखा है, मैंने कहा इनको बॉयल करके रखूँ ठंडा होगा तो फिर ना मिल्क शेक वगैरह बनाओगे, क्योंकि कच्चे दूध की मैंने बनाना नहीं था इसलिए। और यहाँ पर चाय भी रखे, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, तो यहाँ पर देखें मैंने घर का सारा काम वाम कर लिया और सेटिंग वगैरह भी कर लिया और सफाई वगैरह भी सारी कर ली, और यहाँ पर अम्मी लेटी हुई है बेड पर, और यहाँ पर मैंने फ्रिज को भी कपड़ा वगैरह लगाया है और अभी बाहर का भी दिखा देती हूँ। और ये देखें इस तरीके से अभी बर्तन धोने वाले थे वो भी धुल गए हैं, गाइस यहाँ पर देखें पानी की बोतलें वगैरह भरनी थी वो भी मैं भरती हूँ, और यहाँ पर छोले चढ़ाए हुए हैं, छोले बॉयल हो रहे हैं, उसके बाद जो है फिर हम ये बांटेंगे। और गाइस ये बात है कि आज अभी मैं जा रही हूँ बाजी को लेने के लिए, क्योंकि बाजी अपने ससुराल में थी तो फिर उसके पास हमने कॉल वगैरह किया कि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं, तो अभी हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं। सही है, फिर आके फिर बाकी का जो भी व्लॉग होगा फिर बना लेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से आटा गूंद के रोटी वगैरह बना लें, क्योंकि सुबह में नहीं बनाई थी, और बस ऐसे थोड़ी सी चाय और स्लाइस वगैरह खा के चली गई थी, जल्दी थी उनको आज क्योंकि लेट जाग हुई थी तो इसलिए फिर वो चली गई थी, कुछ नहीं बनाया था तो इसलिए अभी मैंने कहा जल्दी से ना बना लूँ। और गैस यहाँ पर देखे मैं मम्मी के लिए चाय गर्म कर रही हूँ, गैस भी आ गया, और यहाँ पर मैंने आटा वगैरह भी ले लिया है और आटा जो गूंद के रखा है वो भी ले आते हैं, और यहाँ पर ये देखे उसको ढक के रखा है ताकि कोई जैसे मकड़ी वगैरह तो वो ना चली जाए।
और अभी मैं आपको बाहर का भी माहौल दिखाती हूँ, और इतना अच्छा मौसम बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है बारिश वाला, दिखाती हूँ आपको ये भी। और देखें कितना खूबसूरत और अच्छा मौसम बना हुआ है, बादल भी बहुत छाए हुए हैं ना आसमान पर, ये देखें लगता है फिर से बरसात वगैरह होगी, लेकिन मौसम तो ठंडा है, हवा तो नहीं है लेकिन वैसे ठंडा मौसम है। मैं तो कहती हूँ कि आज भी बारिश हो जाए, तो ये देखें इस तरीके का मौसम है। और मैं फिर इससे आटा निकालती हूँ और फिर रोटी वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पर देखें मैंने अम्मी और ये सुबह को जो बर्तन धोए थे वो ही मैं अंदर लेके आई, अभी इनको इसके अंदर सेट करना है, सारे बर्तन रखने हैं और जो बना लूँ, क्योंकि कुछ ठंडा भी हो गया, सही भी आटा हो गया, तो यहाँ पे रख के ना खड़ी होके फिर बना लूँगी तसल्ली से, क्योंकि अगर मैं बैठ के बनाती नहीं हूँ, खड़े होके ना आसानी से बना लेती हूँ। और बेलनी वगैरह तो नहीं, वैसे मैं बचपन से ही हाथ पर ही रोटी बढ़ाती हूँ, बेलनी बार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि छोटे थे अम्मी को कहते थे ना कि हमें भी बेलने पर रोटी बनानी, तो अम्मी कहती थी कि नहीं अल्लाह पाक ने हाथ दिए हैं, तो अल्लाह पाक कहता कि हाथ के साथ ही बनाना चाहिए, तो हाथ से ही मैंने रोटी सीखी है। और फातिमा को भी मैंने कहा कि हाथ पर ही बनाया करो, और बुशरा को भी कहा है मैंने कि हाथ पर ही बनाया करो, हाथ से बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर देखें चाय भी गर्म हो गई है, बातों बातों में चाय भी गर्म हो गया, बस अभी अम्मी को देख कहती हूँ अम्मी कप में डाल के पी लेगी, और मैं यहाँ पर ना जल्दी जल्दी से ना रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी भूख लगी है, और अभी मैं काम करती हूँ और बाद में बाकी का भी लोग बनाएंगे, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है ये देखें, और हवा भी अभी से चलना शुरू हो गई है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे तो फ़ौरन चले गए हैं, पता नहीं कितनी देर में आते हैं, और अभी मैं जाती हूँ मोबाइल को चार्जिंग पे लगाती हूँ, उसके बाद बाकी का जो भी होगा वो आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।